वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शहीदां दी पावन धरती श्री मुक्तसर साहिब विखे शहीदी जोड़ मेल दौरान सिख संगत ने वड्डी गिनती विच शमूलियत की। इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वख वख गुरमत समागम उलीके गए सन। अज हुए गुरमत समागम दौरान जिथे तख्त साहिबान के जथेदारा वालों शमूलियत की गई, उत्थे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने भी नतमस्तक हो के शहीदों नूं याद किया। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पवित्र मुक्तसर की धरती, जिस धरती के उत्ते उन्होंने महान शहीदों ने जेड़े किसी वेले बिदावे के रूप के सतगुरु जी तो लांभे हो गए सी, इस महान धरती से आके जिन्होंने गुरु साहब के सन्मुख होकर शहीदियां प्राप्त की, ये पवित्र वो धरती है जिथे मनुख नू मुक्तसर साहब विखे मुक्ति का मार्ग भी मिलता, पर मिलता उन्होंने जेडे गुरु के पद चिन्ह से चलते आ, गुरु के सन्मुख होकर चलते आ। भाई महा सिंह जी और नाल उन्होंने वो सिख जेडे गुरु नू बेदावा दे के आ गए से, उन्होंने गुरु साहब ने कृपा से बख्शिश की, उन्होंने माई भागो जिहड़ी साढ़े सिख इतिहास की एक बहुत बड़ी नायिका मैं कह लवां, जिहड़ी साड़ी महान बीबी आ, उस महान बीबी ने उन्होंने चेते के रूप के गुरु साहब जी का एहसास करवाया, तो जिहड़े बेदावा लिख के आ गए सी उन्होंने फिर गुरु का ध्यान धर के इस अस्थान के उत्ते महान जिहड़ियां शहीदियां पाईआं। और गुरु साहब जी ने सुभाव भी ऐसा जोड़िया कि आप सारा युद्ध तकिया भी, तो आके जिसले उन्हां सारे महान शहीदों नू बड़े बड़े दर्जे दिते, और दर्जियां तो बाद गुरु पातशाह जी ने भाई महा सिंह जी नू अपनी बुकल दे विच लै के जिस वेले चेहरा साफ करके, तो गुरु साहब जी ने फिर आदेश किया, भाई महा सिंह जी मंग लो की मंगदे आ। तो ये एक सिख दी गुरु प्रति विद्वता उहदा किड्डा वड्डा, मैं समझदा सतगुरु जी ने उहनूं खजाना बख्शिश किया कि जिहदे बोल के हुण मंगण नूं रह कुछ नहीं गया, क्योंकि गुरु साहब जी आखिरी सवास तुहाडे गोदी दे विच निकलण, ते एक किरपा करो ये जिहड़ा बेदावा इहनूं पार दो। गुरु साहब हमेशा ही अपने सिख नूं अखीर तक उड़ीकदे आ, ते जिहड़े सिख कोई गलतियां खनामियां भी कर जांदे आ वो गुरु के सन्मुख हो के सतगुरु जी अपनी गलवकड़ी चला लेंदे आ। सो ये महान उन्होंने शहीदों का स्थान आ, जिस स्थान के उत्ते हर एक मनुख आ के कोई दुध तो कोई पुत की मंग रखता, पर जिहड़े गुरु के सन्मुख हो के चलते वो गुरु को की मंगते आ, वो गुरु को खड्डे बाटे की पौल मंगते आ, वो गुरु को सवेरे अमृत वेले का नितनेम मंगते आ, वो गुरु को पवित्र धर्म की किरत मंगते आ, दसवंध कढ़न का जिहड़ा वो ढंग सतगुरु जी तो मंगते आ। सो ये महान धरती ते जिहड़ा अज जोड़ मेला मनाया गया, ये भी एक अदुत्ती खेड सतगुरु जी की, नहीं तो आम होर नहीं कौमां दे विच शहीदां नूं होर ढंग नाल मनाया जांदा, कोई रोण धोण करदे आ, कोई शरीरां नूं कट दिंदे आ, पर सतगुरु जी ने यह जिहड़ियां पैड़ां अपनाइयां ये शहीदी जोड़ मेले दे विच रूप दे विच गुरु का सिख इन मना। अज के टेक्नोलॉजी के युग के सिख भी गुरबाणी पाठ के लिए वख वख गुरबाणी ऐप्स की वरतों करते हैं, पर इन्हां गुरबाणी ऐप्स के गुरबाणी पूरी तरह शुद्ध नहीं लिखी गई। इस गल का जिक्र किया पंथक इकट्ठ दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि वख वख गुरबाणी ऐप्स के काफ़ी त्रुटियां पाई गई ने, जो कि एक गंभीर विषय है। इस दे रुझान नूं देखदे होए उन्हां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हुक्म कीता कि इन्हां गुरबाणी ऐप्स दीआं त्रुटियां नूं दूर करन हित कानूनी नोटिस जारी कीते जाणे चाहीदे ने। इक तां श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों आउण वाले समें दे विच वाहिगुरु बख्शिश करे जिन्नियां वी साडियां ऐप्स ने गुरबाणी दीआं, साढ़े कोले 21 ऐप्स गुरबाणी दीआं जिहड़ियां इस वक्त इंटरनेट ते चल रही हैं। इन्हां सारयां दा जिहड़ा सी एनालिसिस करवाया सी अकाल तख्त साहिब वल्लों,
गुरु खालसा पंथ नूं जानकारी देना चाहुंदे हां। एक ही ऐप्स है जिदे विच आई ग्रंथ ऐप्स बाय डिवेल्ट वर्ल्ड राइट टैक्नो सिख वर्ल्ड स्मार्ट सोल्यूशन सिख वर्ल्ड गुरबाणी एक्सपलोजर खालसा फाउंडेशन आई ग्रंथ साहिब टिब्बा अकाल डिजाइन गुरबाणी उजागर विस अमाद ऐप उर्वा पंजाबी धरती गुरमत सागर वगैरह वगैरह वगैरह। कल असी नितनेम का एनालिसिस किया है और नितनेम दियां बाणियां दे विच इन्होंने वाधू लगा मात्रा दे विच जिहड़ा फर्क पाया है। एक तां पहला भी यह केस अकाल तख्त साहब वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भेजिया है, लेकिन अज का यह पंथक इकट्ठ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह आदेश करता है कि इन ऐप्स को कानूनी नोट्स जिहड़े वह भेजे जाण। तो यह ऐप्स जे दुरुस्ती नहीं करदियां तो फिर इन्हां दे उत्ते सख्त कार्रवाई जिहड़ी है वह की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिल्ली विखे स्थित दिल्ली सिख मिशन के दफ्तर के बारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका वालों श्रोमणी कमेटी के गंभीर दोष लगाए गए सन, जिस उपरंत अज श्रोमणी कमेटी प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी वालों इस दे प्रतिक्रिया दी गई है। मैं उत्थे जे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर हाँ, मैनू क्योंकि नॉमीनेशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दी गई, पहला मनजिंदर सिंह सिरसे नूं दित्ती सी, वो टैसट के फेल हो गया तो मैं हूँ उत्थे मैंबर हाँ, तो मैं भी लोगों को उत्तरदायक हाँ। तो जे मैं उत्थे जाके धर्म प्रचार की कोई गल शुरू कर दिती आ तो खालका जी ने भी चाहिए भी वो दर गुजर कर, कोई मैं उत्थे लाने तो नहीं गया, कोई मैं उन्हें तफेड़ नहीं पा गया। तो अपने आप कई बार मनुख को अपने आप तो आप ही खतरा जहा महसूस होने लग पा, खतरा ना महसूस करो, गुरु की सिक्खी जी इनू कमा चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उसे असी तो आ हूँ 22 तरीक न उत्थे बड़ा एक कीर्तन दरबार जिहड़ा साडे गुरमिंदर सिंह बब्बर आदि हल्के च रखिया, तो यह तो खुशी करनी चाहिए अपन, ये गुस्से की क्या टकरा कोई नहीं, मैं नहीं कोई भी टकरा रखता ना मंद भावना चलता ही हूँ। पर एक गल थे मीडियम राही जरूर कहनी चाहूँगा कि श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल उन्होंने राज सत्ता दी दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जितने भी श्रोमणी अकाली दल दे अज वह वफादारियां बदल के कह रहे भी अभी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली हाँ, ये नहीं चाहिए। माँ जिहड़ी पार्टी होंगी इनू माँ का दर्जा दिता जाता, क्यों माँ बच्चे नू पालदी आ समाज दे विच रुतबा दिंदी, ते जिहड़ी पार्टी आ उह उहदी फिर सेवा संभाल करदी आ, वड्डे रुतबे भी बख्शिश करदी आ, ते जे उहनां नू सारा कुछ बख्शिश कीता ते फिर सलाह कर लैणी चाहीदी सी, एकदम छड के श्रोमणी अकाली दल पंजाब नालों नाता तोड़ के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली बना लिया। समझ तां आउंदी आ पर कुछ गल्लां हाले करन दी मैं लोड़ नहीं महसूस करदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अजोके समय में बच्चों गुरबाणी गुर इतिहास और गुरमत नाल जोड़न दे लई वख वख थावां ते गुरमत सिखलाई कैंप समय समय से आयोजित किए जाते हैं। इसे तहत ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चिरनिया मध्य प्रदेश विखे गुरमत सिखलाई कैंप लगाया गया। इस कैंप दौरान बच्चों गुरमुखी गुरबाणी गुर इतिहास और सिख रहत मर्यादा की सिक्ख्या दी गई, दस्तार सजाउण दी सिखलाई लई भी विशेष कैंप लगाया गया। इस समय नगर निवासी संगतां ने वड्डी गिनती विच हाजरी भरी अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इस उपराले दी शलाघा कीती। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरुद्वारा बाबा किशन सिंह जी मोगा विखे रात्रि दे समागम धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विशेष उपराले तहत उलीके गए। इस दौरान बच्चों ने गुरबाणी कीर्तन अते कवितावां दे राहीं अपनी हाजरी लवाई। धर्म प्रचार कमेटी के प्रचारक साहिबान के वलों बच्चों गुरु साहब जी के जीवन बारे प्रश्न उत्तर भी किए गए और सही जवाब देने वाले बच्चों का विशेष सम्मान भी किया गया। अजली बस इन्हें हूँ तुम मैं मनदीप कौर खालसा दौ आ गया। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।